हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं MH अख्तर। गाइस, आज हम लोग फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला। टर्म 2 में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने हैं और आई होप 3 मार्क्स के भी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, पहला, और बी है रेसिस्टिविटी। तो हम लोग को पता है रेसिस्टेंस क्या, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ठीक है, OHM, और सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके का। और रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर, सिंपल सवाल था। अब डिफाइन 1 ओम। अब देखिए, 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करने बोल रहा है, बताइए क्या होगा। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से R बराबर क्या होता है, V बाई आई, क्योंकि V इजकल टू, हम लोग जानते हैं V इजकल टू होता है आई R, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब यहाँ से 1 ओम रेसिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, तो 1 वोल्ट और 1 आई, अगर 1 वोल्ट से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, ठीक है, तब अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कोई कंडक्टर है मान लीजिए, जिससे हम 1 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिए और उससे 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर है कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो 1 ओम। तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, 1 ओम इज़ ए अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाई अ कंडक्टर, या विच इज़ ऑफर बाई कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 वोल्ट करेंट इज पासिस थ्रू देम। क्लियर है, क्लियर है। अगर एक वोल्ट करंट अप्लाई किया जाए, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई किया जाए और 1 एम्पियर करंट पास करे, तो कंडक्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, 1 ओम। अब डिफाइन रेसिस्टिविटी, क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन रेसिस्टिविटी। अब देखिए, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही होता है कंडक्टर का, लेकिन जो क्या हो, 1 यूनिट लेंथ का हो। रेसिस्टिविटी समझ लीजिए अच्छे से, कन्फ्यूज़न है बच्चों में, कन्फ्यूज़न रहता है। मान लीजिए कोई वायर है जिसका थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वही रेसिस्टिविटी कहलाएगा उस कंडक्टर का। रेसिस्टेंस ऑफर बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ नोन एज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज़ रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है जो 1 मीटर का है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो उसका थिकनेस, जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर अगर होगा, तब जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसकी रेसिस्टिविटी कहलाएगी। क्लियर, ये हो गया, 3 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब देखिए, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सा, कन्वेंशनल डायरेक्शन डिटरमाइन करना है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक सर्किट बना दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट अगर वर्ड में लिखना है तो लिखिएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल पूछ रहा है, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आंसर। यहाँ से आप कंडक्टर बना लीजिएगा, ठीक है, इसको टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे की बना दीजिए। अब जैसे ही की ऑन होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ आई जो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा, आई जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव
टू निगेटिव और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये सब 2 मार्क्स का था, है ना। एक और है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर। द एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर। जैसे किसी बल्ब का कितना है, किसी बल्ब का जो होता है पावर 9 वाट है। मान लीजिए किसी बल्ब का पावर क्या है, 9 वाट। कोई बल्ब है जिसका पावर 9 वाट है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 9 जूल एनर्जी खर्च करेगा 1 सेकेंड में। और इसको लिखिएगा कैसे, देखिए लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे आप लिखिएगा आंसर। पावर लिखिएगा, पावर लिखने के बाद लिखिएगा रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, डेट इज करके लिख दीजिएगा पावर इजकल टू पी इजकल टू ई बाई टी। ठीक है, वेयर ई बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी, टी बराबर हो जाएगा टाइम और पी हो जाएगा पावर। अब ऐसा यूनिट बोल रहा है तो ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का होता है, यहाँ पे समझिए एनर्जी का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। वाट को लिखते हैं डब्लू। इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए, इस तरीके से आप लिख रहे हैं पावर को अंडरलाइन कर देना है तो क्या होगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, दिक्कत नहीं करना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो थोड़ा ढंग से लिखना है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। देखिए यू टेक 2 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2R, ठीक है, एंड 3R। रेसिस्टेंस कितना है, 2R का और 3R का, R1 मान लीजिए और ये इसको R2 मान लीजिए, ठीक है। कनेक्टेड देम इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 2R एंड 3R। देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए, यू टेक 2 रेसिस्टर ऑफ 2R एंड 3R, कनेक्टेड देम इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पैरेलल में कर देना है, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 2R एंड 3R, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 2R एंड 3R कैसे बनेगा बताइए। पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो पैरेलल में जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो P बराबर क्या होता है, बताइए। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। स्मॉल बल्ब है रेजिस्टेंस 2 ओम, कितना है रेजिस्टेंस, R दे दिया है 2 ओम, ठीक है। वेंट कोल्ड, जब ठंडा है, इट टेक अप अ करेंट 0.4 एम्पेयर फ्रॉम 4 वोल्ट सोर्स, देन स्टार्ट ग्लोइंग, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन इट ग्लो, ठीक है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसका दूसरा है इलोबरेट ऑन द रीज़न फॉर डिफरेंस इन रेजिस्टेंस,
बताना है कि क्या रीज़न है जिसके कारण डिफरेंस इन रेसिस्टेंस आया। तो देखिए, आर जब स्विच ऑफ है यानी ठंडा है तब रेसिस्टेंस 2 ओम में इसको याद रखना है, और यहाँ पे दे दिया है 0.4 एम्पेयर करंट है, वोल्टेज इतना है, तो आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं ताकि हम यहाँ पे सोल्व कर सकें क्वेश्चन। देखिए आई है हमारा उस क्वेश्चन में, आई गिवन था, आई इक्वल टू था 0.4 एम्पेयर, ठीक, और वी था 4 वोल्ट। तो आर बराबर क्या होता है, वी बाय आई। अब 4 बाय 0.4, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 40/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 10 ओम। अब जब जलाए ना तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया, तो ठंडे में कितना था, 2 ओम था, तो ये जो बढ़ा 2 ओम तो रेसिस्टेंस निकाल, 10 ओम रेसिस्टेंस निकाल दिए। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कि सेकेंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या रीज़न था। देखिए क्वेश्चन अब समझिए, 10 ओम निकाले ना हम लोग। अब देखिए बोल रहा है कि एलोबरेट ऑन द रीज़न फॉर डिफरेंस इन रेसिस्टेंस। 2 ओम था, जब इसको सोल्व किए तो कितना आया, 10 ओम आया, तो क्या रीज़न है डिफरेंस आने का वो पूछ रहा है। देखिए 10 ओम आया है तो रीज़न बताना है हमको, बताइए क्या रीज़न होगा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे इसका रीज़न आंसर ये होगा कि रीज़न फॉर डिफरेंस इन रेसिस्टेंस डेट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज वी स्टार्ट द बल्ब, बल्ब स्टार्ट ग्लो एंड बिकम्स हॉट, सो रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज, सो डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है वो क्वेश्चन, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिएगा, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज विच इज़ 1 मीटर लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एंड ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन देम, उसके बीच का रिलेशन बताना है। एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख दीजिएगा। अब रिलेशन जो बताना है वो देख लीजिए आप, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रिलेशन क्या हो जाएगा। देखिए आर इजकल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, यही रिलेशन हो जाएगा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का। अब यहाँ से अगर हम एल और ए को 1 कर दें तो आर क्या हो जाएगा बताइए, जैसे आर बराबर अभी क्या रिलेशन निकाले, आर इजकल टू रो एल बाय ए, ठीक, तो इफ एल बराबर क्या कर दें 1 और ए बराबर 1 कर दें तब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो 1/1, 1 से 1 कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो अगर लेंथ और एरिया 1 मीटर का हो जाए तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। तो रिलेशन अगर बोलेगा तो आर इक्वल टू रोएल बाई ए लिखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे है, तो पहले आप डिफाइन कर दीजिएगा, देखिए रेसिस्टेंस लिख के डिफाइन कर दीजिएगा, रेसिस्टिविटी लिख के डिफाइन कर दीजिएगा, और रिलेशन बिटवीन देम हेडिंग लिखिएगा उसमें, उसके बाद लिखिएगा आर इजकल टू रो एल बाय ए, ठीक, उसके बाद फिर लिखिएगा डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, लिख दीजिएगा ये लिख करके नीचे लिखिएगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, थोड़ा ढंग से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बल्ब इज रेटेड 330 वोल्ट 110 वाट, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज इट्स रेसिस्टेंस, आर क्या होगा। 3 such bulb burn for 5 hours, 3 ऐसा बल्ब 5 घंटे जले
एट स्ट्रेस्ड, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इफ रेट 70 पैसे पर यूनिट। ठीक है, 5 घंटा है ना, 5 घंटा है टाइम। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता करना पड़ेगा, देखिए भी तो दे दिया आपका, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, भी आपका दे दिया है 330 वोल्ट और पावर दे दिया है कितना बताइए, पावर दे दिया 110 वाट। ठीक, इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए P बराबर होता है वी स्क्वायर बाय R, इस रिलेशन से अगर हम करें तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P, होगा ना, वी स्क्वायर बाय P, इस रिलेशन से हम तो रेसिस्टेंस निकाल देंगे, क्लियर, R बराबर वी स्क्वायर बाय P से। अब पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट क्या होगा, तो एनर्जी बराबर होता है E बराबर होता है P इंटू टी, पावर है आपका कितना 110 वाट, पावर कितना है 110 वाट और टाइम दे दिया 5, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा, देख लीजिए टोटल क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, देखिए पहले रेसिस्टेंस निकाल देते हैं हम, भी दे दिया आपका 330 वोल्ट और P दे दिया है आपका 110 वाट। ठीक है, तो R बराबर जैसे अभी रिलेशन हम लोग बताए थे, भी P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय R, तो P R इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अब भी की जगह हम कितना डालेंगे, 330 का स्क्वायर, तो R इस ये P हो जाएगा, अब R इक्वल टू हो जाएगा 330 इंटू 330 डिवाइडेड बाय पावर कितना 110, इससे ये ख़त्म, ठीक है 11 33 ये ख़त्म, R इक्वल टू हो जाएगा 330 × 3, अब मल्टीप्लाई कीजिए 300 3 × 9 रेजिस्टेंस आ गया 990 ओम, आ गया ना रेजिस्टेंस 990 ओम, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, रेजिस्टेंस आ गया 990 ओम। अब बोल रहा है एनर्जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब एनर्जी निकाल रहे हैं, पावर याद रखिएगा 110 वाट है और टाइम 5 आवर बोल रहा है। अब एनर्जी के लिए जो आपका दिया है पावर जो गिवन है, पावर है आपका 110 वाट और टाइम दे दिया है 5 आवर, ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट है 70 पैसा, ठीक है 0.7 रुपीज़ हो जाएगा। अब 70 को अगर 100 से भाग दीजिएगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 100 से 0.7 रुपीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.07 रुपया। ठीक, अब देखिए E इक्वल टू होता है, एनर्जी पहले निकालेंगे किलो वाट आवर में निकालेंगे, टाइम हो गया है 5 आर, तो E बराबर होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, तो E इक्वल टू हो जाएगा 110 × 5 आवर और 110 वाट है ही, तो क्या हो जाएगा वाट आवर। ठीक, 11 55 E हो गया 550 वाट आवर। अब जब भी कॉस्ट निकालना हो ना, तो ये किलो वाट आवर में आएगा, तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा वाट आवर में 1000 से भाग दे देंगे, तो E बराबर आ गया 550 × 1000 kWh। अब kWh बराबर 1 यूनिट होता है, अब यूनिट है आपका कितना यूनिट आ गया, अब इससे ही ख़त्म, तो 0.055 यूनिट आ गया, आपका यूनिट कितना आ गया 0.055
5.55 यूनिट। ठीक, अब 0.55 यूनिट को 0.7 से गुना कर दीजिए, आपका पैसा निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इसको 0.7 से गुना कीजिएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद क्या रखना है, एनर्जी निकालने के लिए P into T, और जब भी पैसा निकालने बोले तो ये किलोवाट आवर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? किलोवाट आवर में, KWH में, बिकॉज KWH बराबर 1 यूनिट होता है। किस में आना चाहिए? KWH में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, KWH KWH बराबर होता है 1 KWH बराबर 1 यूनिट। तो हम लोग का आया था 0.55 यूनिट आया था गुने 0.7। अब इसको गुना कर लेंगे, 7×5 35×5, 7×5 35, 36×37 38, मतलब 3.85 रुपया कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और एक कॉस्ट वाला रहेगा, पावर वाला न्यूमेरिकल रहेगा, सो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, और ये भी एक VVI क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.2 mm, रेसिस्टिविटी कितना है 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर हो जाएगा, ये भूल गया, ओम मीटर। लेंथ दे दिया 2 किलोमीटर और रेडियस दे दिया 2 mm, तो रेसिस्टिविटी निकालना है। तो रो इज आर इजकल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, रेसिस्टेंस निकालना है। तो रो की जगह तो हम डाल देंगे 1.72 × 10⁻¹⁸, एल की जगह डाल देंगे 2 किलोमीटर। एरिया निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे रेडियस है 2 mm, देख लीजिए इसको सोल्व करते हैं। लेंथ याद रखिएगा 2 किलोमीटर है, 1.72 × 10⁻¹⁸ इसका क्या है 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर है। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपका एल दे दिया है 2 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे 2×10³³ मीटर, और रो दे दिया है 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। क्लियर, और आपका आर दे दिया है, रेडियस आर दे दिया है 2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, मिलीमीटर को मीटर में, धड़पड़ाना नहीं है। तो 2/1000, तो 1000 की जगह हम 10⁻³ - 3 मीटर कर दिए। क्लियर, अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला देखिए आ गया यहाँ। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आर इजकल टू रो एल बाई ए। अब रो की जगह डालिएगा ये 1.72 × 10⁻¹⁸ बाय एल की जगह डाल दीजिए 2×10⁻³, और एरिया की जगह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की जगह 3.14 ले लीजिए, और आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 2×r² यहाँ पे हम निकालेंगे तो 2×4 10⁻⁶, तो 4×10⁻⁶ हो जाएगा। E2 से E2 कैंसिल, अब ये -6 ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा आपका +3, ये +3 हो जाएगा क्योंकि +6 - 6 +3, और ये है आपका -8, तो +3 और -8 तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5।
तो इसको अब आगे सोल्व कर लीजिएगा आप, अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा आ जाएगा। बस मिलीमीटर को ध्यान में रखना है और किस तरीके से एक्सपोनेंट का काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आज इक्वल टू रॉयल बाई ए पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट कनेक्टेड इज यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंस एंड व्हाई। कनेक्शन है, कौन से टाइप का कनेक्शन डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ किया जाता है, सीरीज या पैरेलल। तो हमेशा याद रखिएगा डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल यूज़ किया जाता है। अब इसका बहुत सारा कारण है, मेन कारण ये है कि पैरेलल में वोल्टेज कम लगता है। ठीक है, वोल्टेज एक रहता है, सेम रहता है पैरेलल में, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरा, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तीसरा, एक स्विच में एक ही बार अप्लायंस क्या चलाए सकते हैं, सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। अगर एक अप्लायंस ख़राब हो रहा है तो पूरा सर्किट ख़राब नहीं होगा, ये सारे रीज़न है। ठीक है, अब है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 250 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइट 5 आवर डेली, 4-6 वाट बल्ब इज लाइट 4.5 घंटा पर डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूमिंग मंथ ऑफ फरवरी। अब इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, 250 वाट 5 घंटा है, उसके बाद 6 वाट का बल्ब है 4, तो 6×24। ठीक है, तो बल्ब इसका अलग से निकाल लीजिए एनर्जी, E बराबर P इंटू T करके, और बल्ब का अलग निकाल लीजिए, निकाल के टोटल एनर्जी कर दीजिए और उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करके, है ना, उसका एनर्जी बिल निकाल दीजिए। क्लियर, बाकी क्वेश्चन जो है और भी क्वेश्चन है हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वो वाला जो क्वेश्चन है वो उसको आप उसको सोल्व कीजिएगा। आई होप थोड़ा सा उसमें वो जो था आर और टू आर वाला एक बार देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन सही है कि क्या है, एक बार आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।